दोस्तों, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, एक नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा बिजनेस आपको कहीं पर भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। जैसा कि आप दूर से देख रहे होंगे, इसमें हीरो लिखा हुआ है, हीरो जेनुअन पार्ट, यानी कि ये हीरो का प्रोडक्ट है। आज के समय में सभी जानते हैं कि ऑटो पार्ट्स लाइन में बहुत ही ज्यादा पैसा है, चाहे टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक या बस हो, कोई भी लाइन में आप जाएं, अगर ऑटो पार्ट्स लाइन में जाते हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग हीरो जेनुअन का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग बजाज जेनुअन का काम करते हैं, कुछ लोग मिंडा का करते हैं, कुछ लोग स्विस का करते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में हैं और वो ऑटो पार्ट लाइन में बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि एक बॉक्स हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में अगर आप कीमत देखें तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पर कीमत पड़ी हुई है, कितनी पड़ी हुई है ये देखिए, 4290 रुपए। ये कीमत आप देख रहे होंगे मेरी उंगली के पास, ये 4290 रुपए यहां पर कीमत पड़ी हुई है। यानी छोटा सा बॉक्स जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये 4290 रुपए का आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी आप ये मत सोचिए कि ये 4290 का है तो मुझे कितनी प्रॉफिट होगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस बिजनेस में कितनी प्रॉफिट है। अगर आप ये हीरो कंपनी का एक 4290 रुपए का खरीद रहे हैं और यही चीज अगर आपको मिल जाए मात्र 800 रुपए में, तो समझिए कितनी बड़ी प्रॉफिट हो गई। सोचने वाली बात है, जो चीज आपको मिल रही है 4290 रुपए की, वही चीज आपको अगर 800 या 900 रुपए में मिल जाए तो कितनी बड़ी प्रॉफिट हो गई। 9 चौको 36, 9 पना 45, लगभग 4.5 गुना प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकती है। दोस्तों, यह ऑटो पार्ट्स एक ऐसी लाइन है जिसमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा निकलती है। दोस्तों, चाहे हीरो गाड़ी हो, चाहे बजाज की गाड़ी हो, चाहे टीवीएस की गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, आपको केवल इसका बिजनेस करना, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट रखने हैं। जैसे क्या होता है, जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें क्या होता है कि रेंज मिलानी होती है। दुकान अगर आप डाल रहे हैं तो दुकान में हजारों तरह के पुर्जे आपको रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप होलसेल का काम, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से अगर आप कर रहे हैं तो आपको केवल एक ही प्रोडक्ट पे, जैसे कि इसके अंदर 4290 रुपए का आइटम है, लेकिन इसके अंदर पीस है 10। ये क्या आइटम है मैं आपको दिखाता हूं। इसमें इस प्रकार के, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस प्रकार के 10 बॉक्स होंगे। अब समझिए, इसके अंदर इस प्रकार के 10 बॉक्स है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बाइक की क्लिच प्लेट। आप अगर एक बाइक रखते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आप जानते होंगे कि एक बाइक में क्लिच प्लेट की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। अगर ये क्लिच प्लेट खराब हो जाए तो गाड़ी का पिकअप बिल्कुल बंद हो जाता है, गाड़ी भागती नहीं है, चलती नहीं है, बहुत ही स्लो चलती है। पूरा एक्सीलेटर आप ले लेते हैं तब भी बहुत स्लो स्लो बाइक चलती है। और अगर आपने उसमें थोड़ा वजन ज्यादा कर दिया, 2 से 3 लोग बैठ गए, तो बाइक बिल्कुल भी नहीं चलती अगर ये क्लिच प्लेट खराब हो जाती है। तो ये क्लिच प्लेट अक्सर खराब होती है, चाहे गाड़ी हीरो की हो, बजाज की हो, टीवीएस की हो, यामा की हो, कोई भी कंपनी की बाइक हो, सभी की ये खराब होती है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। यानी कि अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से, क्लिच प्लेट, हीरो की क्लिच प्लेट हो या बजाज की हो। अब दोस्तों, क्लिच प्लेट अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको क्लिच प्लेट भी दिखा देता हूं। ये होती है दोस्तों बाइक की क्लिच प्लेट, बहुत छोटी सी होती है, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये क्लिच प्लेट है, ये देखिए, इस प्रकार की ये क्लिच प्लेट होती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका बिजनेस शुरू करना है। दोस्तों, वैसे तो हमने ऑटो पार्ट से संबंधित बहुत सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पे लिखी हुई है, जो आप ये देख रहे हैं, विजय बिजनेस आइडिया, गूगल पे आप सर्च कर देंगे तो इस प्रकार से ये साइड में आ जाएगा। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है, विजय बिजनेस आइडिया, इस पे एक बार जाइए और यहाँ पर क्लिच प्लेट का बिजनेस कैसे करें, यहाँ पे जानकारी दी गई है। साथ में यहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया, उस नंबर के द्वारा मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये माल मुझसे भी खरीदना चाहें तो मैं भी उपलब्ध करवा दूंगा, परंतु मैं हीरो में नहीं दूंगा, क्योंकि ये हीरो का पार्ट्स जो है, एक पार्टी ने मुझसे कुछ मांगा हुआ है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम होती है। हीरो जो पार्ट्स होता है, ये जेनुअन अगर आप खरीद रहे हैं तो इसमें बहुत ही कम मार्जिन होता है। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप हीरो जेनुअन का काम करें। अगर जेनुअन का आप करना है तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मत कीजिए, कहीं कीजिए, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट होगी कम होगी। एक्चुअली अभी एक पार्टी ने मुझे ऑर्डर दिया था, उसने बोला कि सर मुझे हीरो की क्लिच प्लेट चाहिए, जेनुअन चाहिए, तो मैं थोड़े ही पीस मंगाए थे और उस पार्टी को भेजने थे। तो मैंने सोचा आपको भी इसकी जानकारी दे दें कि अगर आप क्लिच प्लेट का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसकी जगह दूसरी मार्केट, बहुत सारी कंपनियां हैं
जिनकी क्लिच प्लेट खरीद सकते हैं और उन क्लिच प्लेट को खरीद करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। यानी कि ये क्लिच प्लेट जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार की क्लिच प्लेट आपको मिलेगी दूसरे डिब्बों में, और उस डिब्बे के अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 65 रुपए से लेकर 80 रुपए तक की कीमत में अच्छी क्लिच प्लेट मिल जाएगी। यानी कि जो हमने आपको ये डिब्बा दिखाया था, इस डिब्बे के अंदर 10 पीस है। अगर आपको 80 रुपए में ये क्लिच प्लेट पड़ रही है तो 800 रुपए की में आपको ये डब्बे जितनी क्लिच प्लेट मिल गई। यानी कि ये डब्बा आपको 800 में नहीं मिलने वाला। अगर ये डब्बा ले रहे हैं तो आपको जो कीमत पड़ी हुई है 4290 रुपए, इतने में ही पड़ने वाला है। फिर डिस्काउंट आपको 15% मिल जाए, 18 या 20%। 20% से ज्यादा बहुत ही कम जगह ऐसी है जहां डिस्काउंट मिलता है। या तो क्या होता है, कोई ऑफर कंपनी का चल रहा हो कि इतना माल ले लो हम आपको डिस्काउंट देंगे, वो आपको दे सकते हैं। वरना 20% से ज्यादा जो जेन्युइन पार्सल्स पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो ये आप भूल जाइएगा, अगर आपको काम करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मार्जिन कम होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो दूसरी कंपनियां हैं उनका बिजनेस शुरू कर दीजिए। जब आप उनका बिजनेस शुरू करेंगे, इस प्रकार की क्लिच प्लेट लेके बहुत सारी दुकानों पे जाएंगे, तो जिस भी दुकान पे आप जाते हैं, कोई भी दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे भैया हम हीरो की क्लिच प्लेट लेके आए। क्लिच प्लेट की क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप क्वालिटी देखिए इसकी, देखिए क्वालिटी इसकी, आप क्वालिटी देखिए दोस्तों, ये देखिए। अगर आप एक बार इसकी क्वालिटी देखेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि क्वालिटी है। इस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी आपकी अच्छी है तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, चाहे हीरो की क्लिच प्लेट हो, चाहे बजाज की हो, चाहे टीवीएस की हो, चाहे यामा की हो, किसी भी गाड़ी की क्लिच प्लेट अगर अच्छी है तो आपको इसका ऑर्डर मिलने वाला है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका ऑर्डर लेंगे। दोस्तों ऑर्डर आप मुझसे भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको माल चाहिए तो आप मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कीमत होती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर हमने विस्तार से बताया हुआ है कि आप क्लिच प्लेट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बाइक की क्लिच प्लेट जो है, इसका बिजनेस बहुत ही आसान है। अब आप समझिए कि अगर आपकी बाइक की क्लिच प्लेट खराब हो जाती है और एक दुकानदार आपको क्लिच प्लेट दे रहा है तो 420 रुपए से ऊपर की क्लिच प्लेट आपको पड़ रही है, डिस्काउंट अगर वो काट देता है, वो बोलता है यार चलो अपने बंदे हैं, तब भी आपको 400 रुपए तक की वो दे देगा, या फिर 380 रुपए तक की, जो भी वो आपको डिस्काउंट दे दे। तो अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो दोस्तों 420 रुपए की करीब आपको एक क्लिच प्लेट पड़ने वाली है। अब समझिए 420 रुपए क्लिच प्लेट पड़ रही है, वहीं आपको ये क्लिच प्लेट पड़ रही है 85 रुपए या 80 रुपए की। तो 80 रुपए की क्लिच प्लेट आप खरीदते हैं और मार्केट में जाके जो भी दुकानदार हैं उनको अगर सेल करते हैं, एक पीस पे मार 15 रुपए या 20 रुपए का मार्जिन रखते हैं। मान लो आपने 10 पीस का मार्जिन रखा, मैं कहता हूँ आपने बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रखा, मिनिमम मार्जिन के साथ काम कर रहे हैं। एक डिब्बे में 10 पीस है तो एक डिब्बा आपने हीरो का दे दिया, एक बजाज का दे दिया, टीवीएस का दे दिया, अदर गाड़ियों का एक एक दे दिया, तो 40 से 50 डिब्बे अगर आपने एक दुकानदार को दे दिए तो 500 रुपए से लेके आपके 1000 रुपए तक की प्रॉफिट हो सकते हैं। निर्भर करता है, 50 पीस दिया, 10 पीस का मार्जिन है तो 500 रुपए प्रॉफिट हो गई। और वही अगर आपने 20 रुपए का मार्जिन रख दिया तो आपके 1000 रुपए एक दुकानदार से पैदा कर लेंगे। अब समझिए एक दुकानदार से 1000 हो गए, और अगर एक दिन में आप कुछ नहीं केवल 5 दुकानदारों को माल देने में तैयार हो जाते हैं, माल दे देते हैं, तब भी आप कम से कम 5000 रुपए प्रतिदिन का कमा सकते हैं। लेकिन वो निर्भर करता है कि आप इतना माल सेल कर रहे हैं तब। वरना क्या होता है कि बिजनेस तो हमने करना है, माल भी मंगा लिया, मार्केट में जाकर हम कस्टमर को माल बेच ही नहीं पा रहे, उसे इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहे, माल कैसे सेल करना है, माल की क्वालिटी कैसे बतानी, कुछ बता ही नहीं पा रहे, तो आप माल नहीं बेच पाएंगे। इसलिए अगर आप क्लिच प्लेट का बिजनेस करना है तो आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको माल चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये माल वहीं उपलब्ध करवा दूंगा जहां आप रहते हैं, अच्छी क्वालिटी का माल। अगर हीरो में चाहिए तो हीरो में दोस्तों डिस्काउंट ज्यादा नहीं मिलता है, मुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको हीरो पे दे दूं, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, 2 से 3% तो मुझे बचना ही चाहिए, आखिर में मैं आपको ये माल दूंगा। और अगर आप दूसरे माल ले रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप दूसरी कंपनियां चाहते हैं, जैसे कि मान के चलो पहले क्या होता था, रिको कंपनी की क्लिच प्लेट आती थी हीरो में, तो आज के समय में क्या है, रिको जो कंपनी है वो क्लिच प्लेट मार्केट में अलग बेच रही है, अब हीरो अपनी क्लिच प्लेट बेच रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस रिको की क्लिच प्लेट खरीद सकते हैं, वो क्लिच प्लेट मार्केट में सेल कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्लिच प्लेट बेच रही हैं, केवल क्लिच प्लेट उनसे लीजिए और मार्केट में सप्लाई कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है, एक बार सोचिए जरूर, क्योंकि क्लिच प्लेट की डिमांड बहुत ज्यादा आती है मार्केट में, एक जगह नहीं दोस्तों, हर जगह, कहीं पर भी आप रहते हो क्लिच प्लेट ज्यादा समय तक नहीं चलती। अगर आप
एक बार जब नई गाड़ी लेके आते हैं तब तो आपको 40 से 50 हजार किलोमीटर तक क्लिच प्लेट चल सकती है, बताइए क्लिच प्लेट 20 से 25 हजार किलोमीटर तक खराब हो ही जाती है, यानी कि उसके बाद फिर बदलनी होती है। अब समझिए 20-25 हजार में क्लिच प्लेट बदलनी है, गाड़ियां दिन रात दौड़ती हैं, तो एक गाड़ी में साल में 2 बार तो क्लिच प्लेट बदल ही जाती है अगर वो बहुत ही कम गाड़ी चलाता है, मतलब बहुत सारी बाइकें तो ऐसी होती हैं हर 2 महीने उनको क्लिच प्लेट चेंज करनी होती है। तो एक बार इस बिजनेस की तरफ जरूर देख सकते हैं, क्लिच प्लेट का बिजनेस काफी अच्छा है, बहुत ही आसान है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो मात्र 20,000 से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपए की आप क्लिच प्लेट ही क्लिच प्लेट मंगा लीजिए, थोड़ी बजाज की, थोड़ी हीरो की, थोड़ी टीवीएस की, थोड़ी अपाची वगैरह की, या जो भी अदर गाड़ियां हैं उनकी मंगा लीजिए और अपने यहाँ जो भी दुकानदार हैं उनको सेल कीजिए। अब आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से बिजनेस करना है। अब दोस्तों अगर आप फिर भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका मैंने बताया है कि आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है विजय बिजनेस आइडिया, यहाँ पर जाके अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं कब बातचीत करनी है, पता मैं व्हाट्सएप पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है तो व्हाट्सएप पर जरूर संपर्क कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लिच प्लेट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।